नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल होते हैं। क्या होती है सबसे पहले तो वजह जानते हैं हम, क्योंकि जब भी दांत खराब हो जाता है तो बहुत ही पीड़ादायी होता है, कष्टकर होता है। इसके साथ साथ हम बहुत चीज़ों को खा भी नहीं सकते हैं अगर दांत खराब हो जाए तो। जैसे गन्ने का आप जूस तो ले लेंगे दुकान से, लेकिन गन्ना अगर आपको ऐसे खाने को मिल जाए तो नहीं खा पाएंगे। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो दांत का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए कुछ एक सावधानियों को जरूर रखना चाहिए। दिन में दो बार ब्रश जरूर करें। इसके बाद अगर आप कुछ मीठा खाते हैं तो कुल्ला जरूर करें, या खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। पानी तो नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद, लेकिन कुल्ला आप ज़रूर करें, जिससे कि आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि दांतों में कैविटीज होती है, क्योंकि दांतों में भोजन के कुछ एक अंश टिक जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, और वो कैविटीज स्टार्ट करते हैं। खास करके जब भी आप मीठा खाते हैं तो वो जल्दी कैविटीज फैलाता है, तो इससे बचना चाहिए। इसके बाद कई लोगों के दांतों में प्रॉब्लम होती है कैल्शियम की कमी की वजह से, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि दूध वगैरह का आप सेवन करें, कैल्शियम की कमी ना होने दें। इसके अलावा भी कई लोगों के दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं तो उसको कैसे दूर करेंगे, इससे रिलेटेड आज की हमारी ये जानकारी है। इसके लिए आपको चाहिए होगा जो सामग्री वो नोट कीजिए, फिटकरी चाहिए होगी आपको और सरसों तेल, ये आपके घर में इजीली उपलब्ध होगा। हम ऐसी ही औषधियाँ बताने की कोशिश करते हैं जो कि आपके घर में ही उपलब्ध हों और आसानी से आप अपना इलाज और सुगम रूप से सही से कर पाएँ। जिनमें से आज की औषधि है फिटकरी और सरसों का तेल। करना क्या है आपको कि फिटकरी का बुरादा लीजिए आधा चम्मच, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए एक चम्मच, अच्छे से इसका पेस्ट बनाइए। दांत में, यानी कि जिस दांत में कीड़े लगे हों उस दांत पर भर दीजिए इसको। इससे आपको थोड़ी देर तो अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है। हो सकता है आपके दांतों में थोड़ी देर के लिए थोड़ा दर्द भी लगे, लेकिन आपके कीड़े जो हैं दांत में वो निकल के बाहर आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपके मसूड़ों में अगर सड़न हो रही होगी वो दूर हो जाएगी, यानी कि आपका दांत स्वस्थ हो जाएगा इस लिहाज से कि कीड़े नहीं होंगे। लेकिन आपको दांतों का ख्याल तब भी रखना है, जब भी खाना खाएं कुल्ला जरूर करें, मीठा खाएं तो कोशिश करें कि ब्रश से दांत धो लें, साफ कर लें, या फिर अच्छे से कुल्ला कर लें, नहीं तो कैविटीज होगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी ही और दांतों में कीड़े पड़ेंगे ही। जिनको भी दांतों में दर्द है वो समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, इसलिए वो बहुत ही खुशहाल हैं जिनके दांत सही हैं, या फिर स्वास्थ्य सही है, शरीर सही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको ख्याल रखना चाहिए कि आगे भी ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ऐसे गलतियाँ हम ना करें तो ही हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए मित्रों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।